गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस, अभी अभी मैं उठा हूँ, उठकर हाथ मुँह ही धोया था और ब्रश किया था और अपनी चाय आई भी रेडी है। तो गाइस, चाय पीते हैं और फिर उसके बाद में देखेंगे। देखें, फिलहाल चाय ही पीते हैं। रात को वैसे अभी रोज ही लेट ही उठ रहे हैं, क्योंकि रात को डांडिया गरबा खेलने जाते हैं, फिर उसके बाद में आते हैं तो 12 बज जाती है, तो फिर लेट सोते हैं और लेट उठते हैं, ऐसा चल रहा है अभी। तो चाय आई पीते हैं गाइस। हे गाइस, तो फाइनली 10 बज चुके हैं और अपना खाना भी रेडी है। तो गाइस, खाना आना खाते हैं, फिर उसके बाद में जाना है कुएं पर, क्योंकि तो अभी चल रहा है सोयाबीन कटाई का सीजन, खेत का काम करेंगे। तो खाना आना खाते हैं गाइस। हे गाइस, तो फाइनली अभी बज रहे हैं 11। अभी ट्रैक्टर लेके मुझे जाना है कुएं पर, पहले इसे साफ साफ करते हैं और इसे लेके चलते हैं कुएं पर। वहाँ से अंकल लेके जाएंगे और मैं लेके जाऊँगा, भैंसे चराऊँगा वहाँ पर। इसे साफ साफ करते हैं गाइस और फिर लेके चलेंगे कुएं पर। हे गाइस, तो अभी फिलहाल लेके चलते हैं ट्रैक्टर को कुएं पर, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट नहीं हो रहा जी। गाइस, अभी लेके चलते हैं कुएं पर इसे, और वहां पर जाके मिलता हूँ मैं आप लोगों से और दिखाता हूँ रास्ते का व्यू। गाइस, अभी जा रहे हैं फिलहाल कुएं पर। ट्रैक्टर लेकर ये गाइस, तो फाइनली अंकल ट्रैक्टर लेके चले गए हैं और मैंने भैंसे संभाल ली। अब मैं भैंसे संभालूंगा, उसके बाद में वो वापस आ जाएंगे तो वापस भैंसे ले लेंगे। फिर देखते हैं सोयाबीन इकट्ठी करनी है कि आज, और देखते हैं। तो अभी फिलहाल भैंसों को संभालता हूँ मैं, इन्हें चराता हूँ यहीं पर खेत में। ये गाइस, तो फाइनली अंकल को मैंने भैंसे दे दी है, अब अपन चलते हैं आगे खेत पर, देखते हैं। देखिए, मैं सोयाबीन इकट्ठी करनी है कि नहीं करनी है, अभी कुछ बताता है या नहीं। चलते हैं और फ़ोन लगा के पूछते हैं क्या करना है, क्या सोयाबीन मशीन आ रही है क्या। ए गाइस, तो फाइनली हमें काम मिला है कि कुएं के अंदर से पानी खींचना है, पानी यानी निकाल दे, क्योंकि अभी मोटर तो चल नहीं रही, मोटर का इस्तेमाल तो हो नहीं रहा है। तो मैं पानी खींचने के लिए इसका प्रयोग करूँगा। कुएं में से पीछे कुआँ दिख रहा है, इसके द्वारा पानी बाहर निकालेंगे। पानी आने खींचता हूँ गाइस, फिर मैं उसके बारे में मिलता हूँ आप लोगों से। ए गाइस, तो अभी फिलहाल चल रहे हैं सोयाबीन इकट्ठी करने के लिए, उसके बाद में मशीन आएगी तो फिर सोयाबीन निकालेंगे, क्योंकि टब भी हम लेके आए हैं, मशीन आएगी तो इसी से हम गट्टा आटा जो भी लाए हैं साथ में से सोयाबीन भरेंगे। तो चलते हैं आगे सोयाबीन इकट्ठी करने। तुम रह सके ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी है।
गाइस तो फाइनली हमारी सोयाबीन निकल चुकी है और गाइस इतने सारे कट्टे भरा चुके हैं। ये है गाइस सोयाबीन हमारी आज की। पहले हमने आई इकट्ठी की, फिर आके मशीन आ गई थी, फिर सोयाबीन निकाली, पिसाई निकली है। अब चाय है बन रही है, कुए पर चाय है पियेंगे। हर चीज राज है, सब है जो है वो समा है, तुम रह सके तो रब है, सब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी है। हे गाइस फाइनली अपनी चाय बन चुकी है। तो गाइस कुएं पर आज बहुत दिनों बाद कुएं पर चाय बनाकर चाय पी रहे हैं, तो गाइस चाय पी दें। हे गाइस तो फाइनली ट्रैक्टर में सोयाबीन भरकर अब हम लोग जा रहे हैं घर पर, से घर पर जाकर खाली करेंगे। आगे ट्रैक्टर चल रहा है और मैं पीछे ट्रॉली में बैठा हूँ। तो गाइस चलते हैं घर पर और मिलता हूँ मैं आप लोगों को अभी, तो घर पर जाकर नहाएंगे। हे गाइस तो फाइनली हम लोग घर पर आ चुके हैं और सोयाबीन भी यहाँ पर खाली कर दी है। अब जाके नहाते हैं जल्दी से, वापस कुएं पर जाना है, कुछ काम है, ये अगरबत्ती करने जाना है, इसलिए नवरात्रि चल रही है। नहाता हूँ जल्दी से, फिर मिलता हूँ आप लोगों से। हे गाइस तो फाइनली मैं कुएं पर नहा धो के पहुँच चुका हूँ वापस से। ये दूसरा कुआ अपना, यहाँ पर बाबूजी के यहाँ पर दिया बत्ती करते हैं और फिर चले हैं घर पर। अभी दिया बत्ती करते हैं, यहाँ पर अगरबत्ती लगाते हैं क्योंकि लिए नवरता चल रही है, तो दिया बत्ती वैसे डेली करने आते हैं, रोज डेली पापा आते हैं, आज मैं आया हूँ। फाइनली दिया बत्ती सब जगह पर हो चुका है, अब चलते हैं घर पर। पीछे सनराइज भी हो चुका है, सूरज भी डूब चुका है और शाम का समय हो चुका है, तो चलते हैं घर पर। गाइस तो फाइनली कुएं से मैं घर पर आ गया था और घर पर अपनी चाय भी बन चुकी है, शाम की 6:30 बज रही है। तो गाइस चाय आई पीते हैं, फिर उसके बाद में खाना ना खाएंगे। देखिए बाहर अंधेरा हो चुका है, सूरज ढल गया है, चाय आई पीते हैं और मिलता हूँ गाइस आप लोगों से, आप लोग कंटिन्यू करेंगे। गाइस तो फाइनली रात की 8 बज गए हैं और अपना खाना भी रेडी है। तो गाइस आज दाल बाटी बनी है और साथ में है छाछ जिसमें बूंदी के दाने नाके हुए हैं और साथ में है प्याज। तो गाइस आज ये अपने खाने की डिश, ये पूरी एकदम तैयार है। तो गाइस खाना आना खाते हैं, फिर उसके बाद में देखते हैं, देखिए गरबा खेलने चलेंगे, गरबा देखने चलेंगे, डांडिया खेलेंगे। तो गाइस मिलता हूँ मैं। जग दीवारे तारी दान जगाई,
गाइस तो अभी बज रहे हैं सुबह की 8 और अभी अभी मैं उठा हूँ। कल रात को ब्लॉग एंड नहीं किया था। आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा, अच्छा लाइक करें और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग। पीछे माता जी की बिठा रखी है और जोत भी जल रही है यहाँ पर। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों से। बाय।